हेलो फ्रेंड्स, संगीता किचन में आप सबकी स्वागत है। देखिए, आज मैं अंडे मसाला आपको बताऊंगी किस तरह से अंडा मसाला बनता है। ये देखिए, इस तरह से अंडा मसाला जो बना हुआ है, इस तरह से मैं बताऊंगी आपको कि कितने कम समय में, 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हो अंडा मसाला। बहुत ही अच्छे तरीके से ये मसाला, अंडा मसाला तैयार हो जाता है। चलिए मैं बताती हूँ। और फ्रेंड्स, आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ के साथ सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अगले वीडियो आपके पास फिर से बनाऊं और आपको बताऊं। तो अंडा मसाला बनाने के लिए देखिए मैं क्या क्या ले रखी हूँ। देखिए, अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने 4 एग ले रखी हूँ जो बॉयल कर रखी हूँ ऑलरेडी। एक प्याज है जो मैं बारीक बारीक काट के रखी हूँ, ये देखिए। और उसके बाद है जो टमाटो, मैं 2 टमाटो को चॉप कर रखी हूँ रफली, और 2 मिर्ची है हरी मिर्च जिसको मैंने चॉप कर रखा है, और थोड़ी सी लहसुन है जिसकी कलियाँ जिसको मैं चॉप करने के लिए रखी हूँ। देखिए, अब मैं सारे ग्राइंडर में मैं इसे प्याज और हरी मिर्च जो भी है सबको मैं डालूँगी। ये देखिए, इस तरीके से इसको डाल करके सारे को ग्राइंड कर दूँगी। ये देखिए, इस तरह से सारे को मैं ग्राइंड करना है। टाइम नहीं लगता, 5 मिनट में बन जाती है ये सब्जी। तो देखिए, मैं इसको ग्राइंड कर चुकी हूँ, टमाटो था और लहसुन के, ये देखिए ग्राइंड कर चुकी हूँ। अब मैं अंडे को, देखिए आपको मैं बता रही हूँ कि अंडे को मैं किस तरह से कट करूँगी। ये देखिए, ये देखिए, इसे मैं थोड़ा इस तरह तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरह से कट करना है। सारे को मैं ऐसे ही करूँगी। ये तो देखिए, मैं इस सारे एग्स को इस तरह से कट कर चुकी हूँ। अब इनको मैं फ्राई करती हूँ। तो देखिए, मैं ना इस कढ़ाई को पहले से गर्म कर रखी हूँ, ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सरसों का तेल मैं डालती हूँ एग्स को फ्राई करने के लिए। देखिए, मैं ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए, अब हमारा तेल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें फ्राई करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें डालती हूँ धीरे धीरे। ये देखिए, इस तरह से सारे एग्स को फ्राई करूँगी। इसके बाद इसके ऊपर मैं रेड चिली जो होता है, रेड चिली मैं डालूँगी और हल्दी डालूँगी। गैस को कम कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से अब मैं इस पर, ये देखिए, इस तरह से मैं डालूँगी। ये देखिए, इस पर थोड़ा थोड़ा सा रेड चिली इस तरह से डालूँगी और हल्दी पाउडर भी थोड़ा डालूँगी ताकि ये कलरफुल अच्छे दिखे। ये देखिए, हल्दी का भी मैं इसमें ऐसे इस तरीके से डाल के इसे मैं फ्राई करती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से ये हमारा एक जो है फ्राई हो चुका है। ये देखिए, अब मैं इसे निकाल देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मैं निकाल देती हूँ। ये देखिए, तो देखिए मेरे अंडा जो फ्राई कर ली। अब मैं जो प्याज आपको दिखाई थी कट किया हुआ, ये प्याज कटोरी सी है, इसको मैं फ्राई करूँगी। तो देखिए, तड़के के लिए मैंने ये सारे लीची ले रखी हूँ। देखिए, एक मोटी इलायची है, जीरा है 1/2 टेबल स्पून, दालचीनी की है थोड़ी सी, एक मिर्ची है ये देखिए, और 2-4 काली मिर्च है। ये सारे को मैं डालूँगी इसमें। ये देखिए, इस तेल में गर्म हो चुकी है हमारे तेल। अब इसमें मैं प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, इस तरीके से अभी गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। तो देखिए, हमारा प्याज जो है फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैं इसे सारे निकाल रही हूँ। अब मैं इसको ना ग्राइंड करूँगी। ये देखिए, तो देखिए, अब मैं कढ़ाई फिर से गर्म कर रही हूँ, और उसके बाद है जो इसमें मैं तेल और थोड़ा डालूँगी। ये देखिए, कम पे रखूँगी, तेल थोड़ा सा और डाल देती हूँ। ये सरसों का तेल, ये देखिए थोड़ा सा, ताकि अब ये थोड़ी सी गर्म होने दीजिए। अब इसमें मैं जीरा, जो साबुत जीरा है, उसे 1/2 टेबल स्पून फिर से डालती हूँ तड़के के लिए। ये देखिए, ये देखिए, 1/2 टेबल स्पून जीरा मैं इसमें डाल दे रही हूँ। जीरा तब तक चटक रहा है जब मैं आपको बताती हूँ कि प्याज जो है, प्याज में से सारे जो गरम मसाला मैंने डाली थी, दालचीनी और लौंग जो भी डाली थी,
ये देखिए ये सारे मैं निकाल चुकी हूँ। ये देखिए प्याज दालचीनी ये सब मैं दोबारा से इस पर इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इसमें डाल दे रही हूँ। अभी प्याज को तो मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब इसमें जो मैंने टमाटर का पेस्ट बनाया था उसे मैं डालती हूँ। देखिए ये देखिए टमाटर जो पेस्ट डाला था वो डाल देंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया था इसीलिए ये देखिए अब मैं इसे डाल के अच्छे से अब मैं इसमें मसाले डालूँगी और जो मैं आपको बता देती हूँ मसाले क्या डालने हैं मुझे। ये देखिए एक चम्मच मैं ये देखिए लाल मिर्ची का पाउडर है जो वो मैं डाल रही हूँ। इसके बाद है जो धनिया पाउडर वो मैं एक हाफ टेबल स्पून डाल देती हूँ। ये देखिए हाफ टेबल स्पून धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मैं हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी। ये देखिए टेस्ट और अच्छे आने के लिए वैसे तो मैंने खड़े मसाले डाल दिया है लेकिन मैं तब भी इसमें डाल रही हूँ। अब देखिए इसे मैं थोड़ा फ्राई करूँगी। जब तक ये हमारा मसाला फ्राई हो रहा है जब तक मैं ये प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने प्याज ग्राइंड कर ली। ये देखिए प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया। ये देखिए इस तरीके से इसमें थोड़ा पानी ऐड करना पड़ा था प्याज के लिए। अब मैं इसमें मसाला हमारा भुन गया अब इसमें मैं डाल दूँगी इस तरीके से मैं डाल दूँगी। अब देखिए इसमें मैंने ना नमक और हल्दी नहीं डाली थी। अब मैं इसमें हाफ टेबल स्पून अपने हिसाब से आप हल्दी डालिए मैं हाफ टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसके बाद है जो नमक भी मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से नमक डालिए। ये देखिए इस तरह से हमारा कड़ी मसाला जो है तैयार होगा। ये देखिए अब मैं थोड़ा 2-3 मिनट इसे और फ्राई होने देती हूँ मसाले को। तो देखिए मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ दी थी मसाले को। देखिए ये हमारा मसाला भुन गया है चारों तरफ। ये देखिए इस तरह से तेल छोड़ चुका। अब मैं इसमें जो अंडे फ्राई की थी उसको मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से डाल दूँगी। ये देखिए इस तरह का मैं डाल दूँगी और इसके बाद मैं इसे इस तरह से मसाले के अंदर इसे 1 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से नमक और मसाला इसके अंदर चला जाए। ये देखिए ये हमारा कितना सुंदर और कितना अच्छा अंडा मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए अब इसे मैं 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देती हूँ इस तरह से। तो देखिए अब मैं इसे 2 मिनट से हटा रही हूँ। देखिए कितना सुंदर से ये हमारा अंडा मसाला तैयार हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हमारा अंडा मसाला तैयार हो चुका है। अगर हमारा रेसिपी अगर पसंद आता है आपको तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए अब मैं गैस बंद कर रही हूँ और मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के सर्व कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से ये हमारा अंडा मसाला तैयार हो चुका है। इस तरह से मैं निकाल रही हूँ। अगर हमारा रेसिपी अच्छी लग रही हो आपको तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस तरह से। थैंक यू।